हमें दावत का एनएसएफ को जो कि कोऑर्डिनेटर है आपने बार टू सिक्स के शामिल हो मेरे साथ आइयो मेरे साथ बहनों मेरी माँ मेरे बाप तुम लोग के पढ़ो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपको इन्वाइट किया आपको बुलवाया और आप हमारे पास आए और इस कन्वेंशन को कामयाब बनाया। मुझे खुशी है कि हम सब यहाँ पर एक साथ खड़े हैं एक नजरिए को लेकर एक ताकत बन के और अब इंशाल्लाह ताला हम इस ताकत को बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला हम इसमें और इजाफा करेंगे और हम अपने मुल्क को अपने हालात को अपने कारोबार को अपने रोज़गार को अपनी ज़िंदगियों को अपनी सोसाइटी को कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे। मैं ब्राबरी पार्टी को एक पार्टी नहीं समझता मैं ब्राबरी पार्टी को एक फैमिली समझता हूँ जिसका हम सब एक हिस्सा हैं हम सब एक साथ हैं एक दूसरे के लिए हम सब एक साथ हैं अपने लिए हमारी सोच हमारा गोल हमारी अचीवमेंट सब एक साथ एक दूसरे के लिए हैं जिसकी शुरुआत अल्लाह ताला ने एक इंसान पे बहुत फजल करम किया और वो इस मुल्क के अंदर एक नई सोच को लेकर आया जिसका नाम है जुआद अहमद। अल्लाह ताला उस पर कामयाबी करे अल्लाह ताला उस पर रहमत करे अल्लाह ताला उसको सेहत अता करे और हम सब को उसके लिए और उसको हमारे लिए कामयाबी का जरिया बनाए। मैं आज से पहले इतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं था ब्राबरी पार्टी के साथ जितना आज हूँ और आने वाले वक्त में इससे ज़्यादा होगा इंशाल्लाह ताला। उसकी एक रीज़न है आज मेरे पास उसकी एक रीज़न ये है कि हम सब आज एक साथ खड़े हैं और हम इंशाल्लाह ताला आज के बाद ये अहद करके एक साथ खड़े हैं कि अब हमने और मजबूती के साथ अपने फ़राइज़ को अंजाम देना है। मैंने इस पार्टी को स्टार्टिंग में ज्वाइन किया और मैं आप सब को बाय फेस बाय नेम बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ जो इस पार्टी के लीडरांस हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। मेरा पॉलिटिकल लाइन में कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था मुझे पॉलिटिकल सेटअप सिखाने में ये जो बड़े हैं इनका साथ है। मैंने लोगों तक पहुंचने में इनकी मदद हासिल की और यहाँ तक पहुंचा आज आपसे बात कर रहा हूँ और आज आपको मोटिवेट कर रहा हूँ इनके मोटिवेशनल पॉइंट्स के थ्रू। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम एक फैमिली हैं और हमें इस फैमिली को मजबूत फैमिली बनाना है ताकि हम अपने इस मुल्क के इस सोसाइटी के हालात को हकीकी मायने में तब्दील करें वो वाली तब्दीली लेकर आए जो एक हकीकी तब्दीली है वो वाली तब्दीली जो इमरान खान 20 साल कहता रहा और एंड पे आके उसने असल तब्दीली हमें दिखाई। इमरान खान नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी ये इस मुल्क के बड़े नाम हैं सियासी नाम है हम अच्छी तरह इनसे वाकिफ हैं हमने हर किसी से धोखा भी खाया है और अब हमारे पास पहली और आखिरी अपॉर्चुनिटी है इस मुल्क में कि हम खुद कुछ करें और ये अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी रहमत है हमारे पास ये अल्लाह ताला की एक रहमत है जिसकी वजह से हम इस साये के नीचे हैं जिस साये का नाम है ब्राबरी पार्टी पाकिस्तान। ये नज़रिया सिर्फ मुल्क तक नहीं है सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है किसी एक मजहब तक किसी एक सोसाइटी तक नहीं है ये पूरी दुनिया का हकीकी नज़रिया है जिसका मतलब है इक्वालिटी बराबरी हर इंसान इस दुनिया में बराबर है कोई मजहब कोई रंग नस्ल कोई इलाका कोई मैंने नहीं रखता किसी चीज़ में। ये जो नज़रिया है इस पार्टी का इसकी मजबूती इसी चीज़ में है कि सब अल्लाह ताला के एक जैसे इंसान हैं सबको कानून रोज़गार तलीम सेहत बुनियादी हकूक बराबरी के साथ तकसीम होने हैं तभी ये दुनिया ये मुल्क
ये इंसानियत भलाई की तरफ जाएगी। ये एक ड्यूटी है जो अल्लाह ताला की तरफ से अता की जाती है अपने कुछ खास लोगों को। मैं बड़ी खुशी के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि हम उन खास लोगों में से कुछ लोग हैं और इंशाअल्लाह हमने इस खास लोगों के ग्रुप को और मजबूती के साथ ज़्यादा बनाना है ताकि हम और मजबूती के साथ इस सोसाइटी में अपना नाम रोशन करें, अपनी बुनियादों को मजबूत करें और हमारे जो गोल हैं उनको अचीव करें। मैं चाहता हूँ कि जो एक सेंटेंस, एक शेर, एक लफ्ज इकबाल साहब इस दुनिया में मुसलमानों को खासकर और लोगों को, इंसानों को देकर गए हैं, जिसका मतलब है जो लफ्ज है खुद ही, हम अपने अंदर दोबारा से जिंदा करें, हम उस खुद ही के जरिए से अपने आप को इतना मजबूत करें कि आने वाले वक्त में हम अपनी पहचान, अपनी खुदी को दुनिया के सामने मनवाएं ताकि हम कामयाब कौम, कामयाब मुल्क और कामयाब इंसानियत की तरफ जाएं। खुदी एक बहुत बड़ी पहचान है जो हम सबको हासिल करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस प्लेटफॉर्म में आज हम खड़े हैं इसमें हमें ये चीज़, ये पहचान नज़र आ रही है। अब हमको ज़रूरत है कि हम अपने अंदर इस नज़रिए को डालें और हम अपने अंदर मजबूती के साथ अपनी पहचान को लेकर कामयाबी की तरफ जाएं। मैं आप सबसे एक गुजारिश, एक अपील करता हूँ कि हम सब आज के बाद और ज़्यादा कामयाबी के साथ और ज़्यादा मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हैं इस नज़रिए को लेकर इंशाल्लाह ताला। और हम इंशाल्लाह ताला जो एक मिशन जवाद अहमद साहब का है, जो एक मिशन हमारी पार्टी का जो है, जो एक मिशन अब हमारे मेंबर्स का बन चुका है, इस मुल्क के अंदर जो एक नाम पैदा हो चुका है, हमने इसको कामयाब करना है इंशाल्लाह। मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। मुझे खुशी है आप सबसे मिलके, मुझे खुशी है कि मुझे मौका दिया गया मैं यहाँ पर खड़ा होकर बात करूँ, अपनी फीलिंग्स आप तक पहुँचाऊँ। शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा अल्लाह ताला हमारी पार्टी को, बराबरी पार्टी को, इस मुल्क को कामयाबी के साथ रखे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद, बराबरी पार्टी जिंदाबाद। थैंक यू, शुक्रिया।